दोस्तों, आईपीएल 2022 के ऊपर इस वक्त काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले तीन काफी बड़े प्लेयर अपनी टीम को छोड़ करके अदर टीम में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से तीन प्लेयर कितने प्राइस में किस टीम में ट्रांसफर होंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन तीनों प्लेयर्स की लिस्ट बता देते हैं जो कि मेगा ऑक्शन से ठीक पहले अपनी टीम को छोड़ करके अदर टीम में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वन बाय वन तीनों प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो अब से कुछ देर पहले इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जिसके अकॉर्डिंग केएल राहुल को लखनऊ की टीम ने 20 करोड़ ऑफर किया है। यानी कि लखनऊ की टीम केएल राहुल को 20 करोड़ में अपने स्क्वाड में प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए शामिल करना चाहती है और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले प्लेयर ड्राफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल लखनऊ की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम राहुल को रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि केएल राहुल खुद पंजाब के स्क्वाड में रिटेन नहीं होना चाहते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे काफी बड़े प्लेयर हैं सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर यानी कि राशिद खान, और राशिद खान भी चाहते हैं कि वो मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे या फिर प्लेयर ड्राफ्ट में जाए। तो इस वजह से हैदराबाद की टीम ज्यादातर चांस ये है कि राशिद खान को रिटेन नहीं करे, क्योंकि राशिद खान अपने प्राइस मनी से खुश नहीं है। तो ऐसे में प्लेयर ड्राफ्ट में राशिद खान को लखनऊ की टीम ने 16 करोड़ का ऑफर किया है, यानी कि लखनऊ की टीम केएल राहुल और राशिद खान में से किसी एक प्लेयर को प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। और इन दोनों प्लेयर्स का नाम इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिला है, जहां पर इनसाइड स्पोर्ट्स ने बताया है कि केएल राहुल और राशिद खान को लखनऊ की टीम ने 20 करोड़ और 16 करोड़ का ऑफर किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल और राशिद खान लखनऊ की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, आप नीचे कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे काफी बड़े प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल्स के तगड़े ऑलराउंडर यानी कि बेन स्टोक्स, और आईपीएल 2022 के रिटेंशन प्रोसेस में स्टोक्स को राजस्थान की टीम रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि बेन स्टोक्स ज्यादातर इनरेगुलर रहते हैं। तो इस वजह से राजस्थान की टीम स्टोक्स को रिलीज कर देगी। तो ऐसे में प्लेयर ड्राफ्ट में या फिर मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो में बेन स्टोक्स अपनी टीम को बदल देंगे। तो ज्यादातर चांस ये है कि अहमदाबाद की टीम बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में शामिल कर ले, और अगर स्टोक्स ट्रेड होते हैं तो आरसीबी की टीम इस प्लेयर के ट्रेड में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि आरसीबी के पास एक विदेशी प्लेयर्स का स्पेस खाली है। तो ऐसे में आरसीबी की टीम स्टोक्स को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहेगी। तो कुल मिला के इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, आईपीएल 2022 के ऑक्शन में आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदना चाहिए, आप नीचे कमेंट में जोड़ बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।